हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देख रहे हैं गिल बेयरस्टो फाइट, शोएब बसीर बोल्ड रिव्यू, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट 2024। अच्छा, मुझे ना एक उड़ती हुई खबर आई थी कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में इंग्लैंड का तो बाजा बजा दिया हमने, बताना उड़ती खबर, ठीक है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। तो यार जानवंस, कैसे हो? बहुत दिनों बाद भाइयों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले मेरे को तुम लोगों से एक बात करनी है। हम लोगों ने एक सेकंड चैनल खोल लिया तनय क्रिकेट लाइव नाम से। तुम बोल रहे थे कि भाई जियो सिनेमा पर जाके कमेंट्री करो, बट दोनों में से एक ही चीज पॉसिबल थी, या तो वीडियोस डाल सकते थे यूट्यूब पे या फिर जियो सिनेमा वाला। बट हम लोगों ने एक बीच का तरीका निकाला है कि मैच के बाद या मैच के बीच में कभी भी लाइव जा सकते हैं। तो तनय क्रिकेट लाइव नाम से क्रिकेट चैनल है, तो भाई साहब उस पर मिलेगा नहीं। अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाके फटाफट सब्सक्राइब कर दो। जैसे ही 50,000 सब्सक्राइबर होते हैं और IPL आता है, हम लोग स्टार्ट कर देंगे लाइव स्ट्रीमिंग। बहुत मजे आने वाले, तो भाई सपोर्ट दिखाना, क्योंकि मुझे देखना है कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। इंटरेस्टेड होंगे तो ही करेंगे हम लोग लाइव वाला चीज। मैच के जस्ट बाद आके मीम्स वगैरह देखेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे। ओहो, 4-1 सीरीज विन, और कुलदीप भाई मैन ऑफ द मैच। कुलदीप भाई मैन ऑफ द मैच हो तो क्यों ना हो, भाई ने क्या परफॉर्मेंस दी है, क्या टिक के खेले हैं ग्राउंड में। क्या था? कुलदीप भाई इतना भी डीप नहीं जाना था। कुलदीप भाई ने लग रहा अपनी फैंटेसी टीम में शुभमन गिल को कैप्टन बना रखा था। गिल भाई ने जैसे ही सेंचुरी मारी, खुद अजय देवगन बन गए और गिल को ऐश्वर्या राय बना दिया। गिल्लू भाई हमारे लास्ट IPL में बड़े स्टड बन रहे थे, सारा तेंदुलकर, सारा अली खान, सो मेनी ग्रिल्स इधर, सो मेनी ग्रिल्स उधर, अब देख लो कुल्लू भाई से चिपके पड़े। रोहित भाई ये लोग केवल अब गार्डन में घूम नहीं रहे, बात बहुत आगे तक जा चुकी है। कम से कम एक बार बता तो देते कि हम नहीं रहना चाहते यार, इस बार तो आपने कुछ कहा भी नहीं, आपको हम कुछ कहते हैं, आप बताइए। पर यार मुझे लगता है ये मैन ऑफ द मैच कुलदीप यादव को नहीं, शोएब बशीर को मिलना चाहिए था। दिस गाय इज अ जीनियस, प्योर जीनियस। भाई ने DRS का इशारा किया, और कब किया, जब भाई खुद बोल्ड हो गए। जो रूट की नॉन स्ट्राइकर एंड से हंसी नहीं रुक रही थी इनके चुतिया पे देख के। मैं सोच रहा था भाई साहब ये बास्बॉल क्रिकेट ने कम बेइज्जती करा रखी है, जो तुम नए नए तरीके ढूंढ रहे हो जलील कराने के। रूट की हंसी बता रही थी, वो मन में सोच रहा था ये शोएब बशीर को वीजा ही नहीं मिलना चाहिए था। जब शोएब बशीर ने बोल्ड होने पर DRS लिया ना, मुझे डाउट गया। मैंने सर्च किया तब पता चला बशीर भाई तो पड़ोस से ही है। फिर तो कोई बात नहीं शोएब बशीर भाई, आपकी कोई गलती नहीं है, आप तो पवेलियन से बैठे बैठे भी DRS ले सकते हो। वेरी स्मार्ट बच्चू, नो कम्प्लेंट्स। ये जो जयसवाल का आउट करने के बाद इसने गंगाजल वाली स्टाइल में घूरा है ना, इसको यही लग रहा था कि जयसवाल भाई ने स्टंपिंग होने के बाद भी DRS नहीं लिया। स्टंपिंग के DRS नहीं ले सकते क्या? हमें कभी एम्पायरिंग करने में डर नहीं लगा, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट डिसीजन एकदम कॉन्फिडेंस से दिए। अरे यहाँ तक कि शकीब अल हसन से भी नहीं डरे हम, पर इस शोएब बशीर में कुछ तो अलग था। बोल्ड होने पर DRS ले लेता था साला। थर्ड एम्पायर हमें देख रहा था, हम थर्ड एम्पायर को देख रहे थे कि सुल्लू के पट्टे का करे क्या, पंखे से उल्टा लटका के झाड़ू मारे या झाड़ू पीछे डाल के मोर बना दे। नहीं बोल्ड हुए हो तो उसमें DRS करेगा क्या? इस बंदे का हेयर फॉल भी होता होगा तो ये सोनोग्राफी करवाने चले जाता होगा कि नहीं नहीं चेक करिए आप। इंडिया और इंग्लैंड की टीम में ठीक उतना ही डिफरेंस था जितना पोपे भाई की और क्रीज के बीच में था। पोपे भाई दो कदम और आगे निकल जाते ना तो एयरपोर्ट ही पहुंच जाते इंग्लैंड जाने के लिए। पोपे भाई नॉन स्ट्राइकर एंड की क्रीज के ज्यादा पास पहुंच गए थे अपनी क्रीज छोड़ के, हो गए। उधर से शोएब बशीर बोल रहा है भाई स्टंपिंग हुई है DRS ले लो। मैकुलम ने दो चाटे मार के बिठाया उसको। है मुझसे वही स्मार्ट, बताओ खुद नहीं तुम खुद दे। हमारे रोहित भाई ने भी एक नया रिकॉर्ड बनाई दिया, 112 साल बाद कोई हमारा ऐसा कैप्टन रहा जो कि 0-1 से सीरीज हारते हारते 4-1 से सीरीज जीत गया है। कसम से भाई, इंग्लैंड से आई हुई जनता इंग्लैंड के प्लेयर से इतना बोर हो गए, ग्राउंड में पत्ते खेलने बैठ गए। बॉल देखने आए थे, 3 पत्ती सीख के घर गए। वो बैन डकेट को ही देख लो, बैटिंग करते करते क्राउड में जाके बैठ गया। एक तो यार है क्या? पर मुझे बड़ी दया आ रही है, जैसे ही क्रीज पर आया रोहित भाई की आवाज आती है स्टंप माइक से, इसे तो कुछ भी डाल दे आउट हो जाएगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ऊपर से गिल और सरफराज ने अलग बेइज्जती कर दी बेचारे की। अब आधे लोगों को ये पूरी कन्वर्सेशन समझ में नहीं आई कि भाई तीनों के बीच में बात क्या हुई। तो हुआ कुछ यूं,
बेरिस्टो ने गिल को बोला, क्यों रे तू बोल रहा था ना एंडरसन को ड्रॉप कर देना चाहिए, उसे रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, कैसा विकेट लिया उसने उसके तेरा बाद। गिल भाई ने बोला, हाँ मैंने तो 100 मार दी थी उसके बाद विकेट लिया, तूने कितनी 100 मारी है। बेरिस्टो भाई ने तो इतने में जले पर नमक छिड़क दिया, कहा जब बॉल स्विंग होती है तब तूने कितनी 100 मारी। वैसे ये अच्छा दिया था बेरिस्टो भाई ने, सच्ची में बातें हुई हैं। ध्रुव जुरेल भाई हमारे समझ गए कि बात गड़बड़ हो रही है, उनने बोला भाई जॉनी भाई इजी इजी, नया बालक है बेइज्जती मत करो ज्यादा उसकी। पर एकदम अनएक्सपेक्टेड एंट्री हुई इस कन्वर्सेशन में सरफराज खान की, जिसने बेरिस्टो को ये बोला, थोड़े से रन क्या बना दिए, बहुत उछल रहा है। विराट भाई बनने का शौक है ना गिल भाई, विराट भाई बनने का शौक है ये, विराट का है, विराट तो लग ही नहीं रहा है। पानी पीने के लिए बाउंड्री रोप की तरफ आए और हमसे कहने लगे, अरे शकल का भी मैच हो रही थी मैं। क्या मैंने बोला, रोहित भाई मैच देखने नहीं खेलने आया हूँ, भूल ही गए थे मैं भी टीम में हूँ, याद दिलाया तब जाके 45 ओवर के बाद हमें पहला ओवर दिए। इंग्लैंड टीम का बास्टबॉल क्रिकेट देख मैकलम ने बोला, आज से मुझे पपीता बुला लेना पर बाज मत बुलाना। ओली पॉपे जब से क्रीज छोड़ के आगे निकले हैं किसी को मिले ही नहीं, उनकी तलाश जारी। कुलदीप यादव को आया बड़ा ऑफर, कहा आईपीएल से ज्यादा पैसा देंगे, तुम तो छुपा रुस्तम निकले कुल्लू। रोहित शर्मा ने दिया एक बड़ा बयान, पूरा भारत सदमे में, ये कैसे कह दिया रोहित शर्मा ने। सब हैरान हो गए जब रोहित शर्मा ने कहा, इनका बास्टबॉल क्रिकेट बड़ा ही वो है यार। कुलदीप यादव की बैटिंग देख रजत पाटीदार पहुंचे उनके घर, कहा अब तो डूबती नहीं है, आप ही बचा सकते हैं गुरुजी। रोहित भाई की कैप्टनसी में बॉलिंग करना मतलब पजल सॉल्व करना, चेस खेलना। रोहित भाई तो बोल के चले जाते हैं, वो बॉल डाल वो वाला, अरे वो मतलब क्या, रेस्ट स्पिन गुगली दूसरा, ये आप समझो, और नहीं समझे तो गार्डन में घूमने पर क्या होता है आपको पता ही है। मित्रों वैसे वुमेन्स आईपीएल चल रहा है और उसमें एमआई के मैच में क्या हुआ तुम्हें पता चला, बारिश, वो भी ऊपर से नहीं नीचे से, ये देखो स्प्रिंकलर होने वाला, आज तक मैंने कभी नहीं देखे भाई, चलते मैच में अचानक से फवारे छूटने लगे जमीन में से, 15 मिनट तक मैच रोकना पड़ा। वैसे यार इस वुमेन आईपीएल में हम लोग प्ले कर रहे हैं स्टेक पर, तुम लोगों ने देखा ही होगा डेली विनिंग कर रहे हैं, टेलीग्राम पर मैं पोस्ट करते रहता हूँ। स्टेक पर रजिस्टर कैसे करें काफी लोग पूछ रहे थे, तो भाई डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी उस पर क्लिक करते तुम इस पेज पे पहुंच जाओगे, जहां पर रजिस्टर क्लिक करते सारी डिटेल्स भर दो, कूपन कोड में तुमको तनय दिख ही गया होगा, फिल कर देना उसको। कूपन कोड तनय डालने का फायदा ये है कि भाई जब भी तुम अपना पहला डिपॉजिट करोगे तुमको मिलेगा 200% का बोनस, तो हरी अप, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। पाकिस्तान DRS फॉर कॉट बिहाइंड, शेन वॉटसन यूजिंग DRS फॉर रन आउट, शोएब बशीर रिक्वेस्टिंग DRS डिस्पाइट बीइंग बोल्ड, शोएब बशीर भाई ने लेवल अलग ही सेट कर दिया बीइंग पाकिस्तानी। अब यार जल्दी मैच खत्म करो, कब से शोर मचा रहे सोने नहीं दे रहे। रोहित भाई ग्राउंड के अंदर तो मीम्स देते ही हैं, ग्राउंड के बाहर से भी दे देते हैं, लास्ट टाइम भी इन्होंने से खिड़की में से झांक के जो मीम दिया था, खिड़की से भी मीम दे देने भाई साहब। रियल कंटेंट क्रिएटर रोहित भाई, आपका बेटा गार्डन में घूमता हुआ पकड़ा गया, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? रोहित भाई सबसे पहले तो कुलदीप यादव को पकड़ो, यहाँ पे समथिंग समथिंग किसिंग हियर एंड देयर टू शुभमन गिल, ये देख लो भाई साहब। भाई केला खाने का तरीका थोड़ा, केला गार्डन में घूम रहा था ऊपर से एग्रेशन भी दिखा रहा था। शोएब बशीर की ना चाहते हुए भी 100 करवा दी 20 ओवर्स में ही, दैट टू इन टेस्ट क्रिकेट, इज जो रूट अ वाइफ, ये पक्का किसी पाकिस्तानी ने सर्च किया है, इज जो रूट अ वाइफ, इज जो रूट अ लेडीज, यस जो रूट इज अ वाइफ हैविंग टू किड्स, न्यू वॉल ऑफ इंडियन क्रिकेट, सर कुलदीप यादव ब्रेडमैन। ओहो, कुलदीप भाई को लगा ये लोग जडेजा अश्विन को ही खिलाते रहेंगे, मुझे अब ऑलराउंडर बनना ही पड़ेगा, बैटिंग करनी ही पड़ेगी। बुमराह भाई, मैं भी प्लेइंग 11 में हूँ, एक ओवर मुझसे भी करा दो कम से कम, इनिंग्स में तो ओवर ही नहीं मिला भाई को, एक ओवर डाला भाई ने बस। बॉल फेस बाय बेरिस्टो 259, कुलदीप 293, गजब बेइज्जती है यार। इस मानव पे मेरे को थोड़ी थोड़ी दया भी आ रही है भाई, स्लेज भी हो गए भाई, रन भी नहीं बन पा रहे हैं, उधर से सरफराज नया नया आया वो भी पेल गया इनको। रजत पाटीदार तो छुट्टी पे चला जाते, ऐसे होना वाला कुछ नहीं। रजत पाटीदार भाई को इतने मौके मिले भाई, 9 इनिंग्स है यार, 9 इनिंग्स में बस एक बार 32 रन बनाए, बाकी टाइम तो 0-0, 5-17।
भाई साहब थोड़ा क्या प्लेयर है भाई तू इन पाकिस्तान विनर्स इन इंडिया बास बॉल क्रिकेट बोर्ड को देख लो ऐसा लग रहा है भाई चप्पले मारी हो मुंह पे और बिठा दिया हूँ। बुमराह बैटिंग वन मैच इज अगेंस्ट इंग्लैंड। बुमराह भाई ने पहले स्टुअर्ट ब्रॉड को भी एक ओवर में 30 प्लस रन मारे थे और इस बार भी अच्छा खेले। बुमराह भाई के अंदर कुछ जाग जाता है इंग्लैंड। ट्रेविस हेड हैज ओनली मैनेज्ड टू स्कोर अ सिंगल सेंचुरी सिंस द ओडीआई वर्ल्ड कप। देखा आपने 140 करोड़ भारतीयों का दिल तोड़ने का नतीजा लग गई ना बद्दुआ यार वो याद मत दिलाओ भाई ये सब यार। जॉन सीना प्लेइंग क्रिकेट भाई साहब पोपे भाई क्या करना चाह रहे थे ये राज भी उन्हीं के साथ चला गया। मी लिविंग माय लाइफ पीसफुली सडनली रिमेम्बरिंग 19th November भाई साहब यार तुम लोग गंदी गंदी चीजें याद दिला रहे हो यार मेनू। ठीक है भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक भाई अपना चैनल जो है सेकंड वाला चैनल जो है लाइव आने वाले जिसपे आईपीएल में वो ज्वाइन करके रख लेना सब्सक्राइब करके रख लेना क्योंकि जैसे उसपे 50,000 सब्सक्राइबर होंगे हम लोग लाइव आना स्टार्ट कर देंगे। यार सबसे मजेदार था जिस तरह से उनकी वो कह रहे कि इतना बुरा खेले ये इंग्लैंड वाले कि वहां के जो लोग थे वो तो पत्ते ताश पत्ता खेलने लगे हैं पत्तों से खेल रहे हैं वो उनको कोई ये बड़ी बात नहीं है कि कोई इंडियन जी भारतीय उनको कोई अलग अलग गेमें सिखा रहे हो कि चलो तुम कोई तुम तो आ रहे हो तुम हमारे साथ ये खेल लो और वो कह रहे होंगे ठीक है सिखाओ कैसे खेलना। इंटरनेशनल मीडिया में काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है कि इंग्लैंड जो है बहुत गंदा खेल रहा है तो उनको सेल्फ रिफ्लेक्शन करना चाहिए कि क्या हाल उनका हो चुका है। इनका वर्ल्ड कप में भी तो बुरा हाल हो रहा था तब भी तो सेल्फ रिफ्लेक्शन करने गए तो थे फिर क्या हुआ अभी तक कोई न्यूज आ रही थी वहीं से आ रही है यूके वाली न्यूज दिखा रहे हैं कि उनकी हालत बुरी हो रही है उनको देखना पड़ेगा कि क्या हुआ। वेरी गुड मैं तो तब भी बोला था मैं तब भी कहूंगी जो बड़े दादे बन के इंडिया में लेके आए थे क्रिकेट अब उन्हीं का बुरा हाल चल रहा है देश भी डूब रहा है और क्रिकेट में भी उनका बुरा हाल हो रहा है। कमाल है कमाल है। और वो भी बड़ा मजेदार था कि भैया वो बंदा अपने वहां से आगे ही भाग तक भाग भाग के चला गया पागल हो गए यार क्या पहले निकल लेते मुझे तो समझ नहीं आता टेस्ट क्रिकेट में हालत खराब हो गई कमाल ही है। तो चलो आप ही शेयर करना अपने थॉट्स चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।